शॉर्ट वीडियो में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होता है शॉर्ट वीडियो का थंबनेल। कभी कभी क्या होता है, आप जो शॉर्ट वीडियो को शूट करते हो उसमें अच्छा क्वालिटी अच्छा थंबनेल नहीं आ पाता है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में सबसे मेन और गेम खेलने वाला चीज थंबनेल ही होता है। अगर थंबनेल को अगर सही तरीके से अगर आप सेट करना अगर सीख जाओगे शॉर्ट वीडियो का, तो आपके शॉर्ट वीडियो वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकते है। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। लेकिन आप लोग सोचो कि भाई शॉर्ट वीडियो तो मैं भी अपलोड करता हूँ, अच्छी तरीके से थंबनेल लगा तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। थंबनेल का मैं आप लोगों को गेम समझाता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में वैसे तो थंबनेल बना के लगाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन एडिटिंग के दौरान आप अपने शॉर्ट वीडियो में थंबनेल का गेम खेल सकते हो। इस गेम खेलने के लिए अगर सीख जाओगे तो आपका शॉर्ट वीडियो 10 से 15 रोज के अंदर में वायरल हो सकता है। ये ऐसा बेहतरीन गेम है और ऐसा बेहतरीन तरीका है शॉर्ट ओनली शॉर्ट वीडियो के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर देना। किसी भी सोशल मीडिया से मैं रिलेटिव वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। YouTube के लिए शॉर्ट वीडियो बनाते हो लेकिन आपका शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होता है, लेकिन आप अपने शॉर्ट वीडियो में थंबनेल किस तरीके से लगाते हो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि शॉर्ट वीडियो में भी थंबनेल लगा सकते हो, वो भी HD क्वालिटी में थंबनेल लगा सकते हो। लेकिन थंबनेल किस तरीके से लगाओगे और कैसे लगाओगे, ये वीडियो रहा मेरा शॉर्ट वीडियो। चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा शॉर्टकट में, मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये रहा मेरा शॉर्ट वीडियो। तभी इस वीडियो में हम कौन सा ऐसा थंबनेल लगाएंगे कि कोई भी बंदा उस वीडियो पे क्लिक करके हमारा वीडियो को देख लेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो से हम बाहर आ जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाली एप्लीकेशन पे चलते हैं, इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो तरह तरह का इमेजेस मिल जाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, कोई ऐसा इमेजेस देखते हैं कि जो सबसे अच्छा लगे, बेहतरीन लुक लगे उस इमेज का, कि कोई भी बंदा एक बार में देख के उस इमेज पर क्लिक करके वो वीडियो मेरा देख ले। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते ढूंढते कोई ऐसा वीडियो, फ़नी सा वीडियो फ़ोटो। तो फ़नी सा फ़ोटो ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे बिताना होगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हो ये फ़ोटो कैसा लग रहा है इमेज। तो और भी हम ज़्यादा इसको स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कोई और भी अच्छा हमें मिल जाए। तो ये लग रहा है थोड़ा सा फ़नी, हमें उससे भी फ़नी ये लग रहा है क्योंकि अपने चेहरे पर बनाया है तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और भी इसको हम स्क्रॉल करते नीचे की तरफ, उससे भी अच्छा ए वाले लग रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, और भी नीचे की तरफ देखेंगे, जितना हम ढूंढेंगे उतना हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए एक एक घंटा टाइम लगाते हो तो उसको एडिटिंग में भी टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका शॉर्ट वीडियो चलेगा। उससे भी अच्छा ये वीडियो हमें अच्छा लग रहा है फ़ोटो, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया, अभी हम क्या करते चलते अपनी काइंडमास्टर में। काइंडमास्टर में उस शॉर्ट वीडियो को हम एडिटिंग करने के लिए गए थे, तो ये रहा हमारा शॉर्ट वीडियो। अभी हम क्या करते हैं, मीडिया पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इस एरो पे क्लिक करके इस इमेज को हम थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम करके फुल कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। अभी क्या करते हैं, ये रहा हमारा वीडियो हो चुका है। तो अभी ये वीडियो हमारा देखिए एडिटिंग हो चुका है। अगर हम वीडियो को जैसे आप जाते हो वीडियो अपलोड करते हो तो वहाँ पे कहाँ पे आप थंबनेल लगाते हो, YT स्टूडियो में तो नहीं जाना पड़ता है ना। शॉर्ट वीडियो को जैसे आप YouTube पर अपलोड करते हो तो अपलोड करने के टाइम पे ही शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगाने का ऑप्शन आता है, कुछ इस तरीके से। कहीं भी कोई भी थंबनेल आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, ए वाले थंबनेल चूज़ करना है। शॉर्ट वीडियो में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होता है थंबनेल। थंबनेल का गेम खेलना सीख जाओगे तो आपका शॉर्ट वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से इमेज लगा के इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, और जिस टाइम पे वीडियो को अपलोड करोगे उस टाइम पे थंबनेल के टाइम पे इसी थंबनेल को आपको चूज़ करना है। इससे होगा क्या, जैसे आपका वीडियो किसी के भी सामने जाएगा तो उस इमेज को देख के उस वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को पूरा वॉच कर सकता है। तो शॉर्ट वीडियो का गेम जो होता है ना, थंबनेल का गेम, यही गेम होता है। किसी किसी के शॉर्ट वीडियो में आप देखोगे जो थंबनेल उसमें दिखाया जाता है, उस वीडियो को अगर क्लिक करके देखोगे तो पूरा वीडियो में वो सीन नहीं होगा, लेकिन थंबनेल जो होगा वो अलग ही होगा। लेकिन उसी थंबनेल को देख के आप उस वीडियो में जाते हो देखने के लिए, लेकिन उस वीडियो को पूरा देखते हो तब आपको पता चलता है कि उस वीडियो में उस जो थंबनेल बनाया है वो थंबनेल तो कहीं है ही नहीं, वो फ़ोटो कहीं नहीं है, वो वीडियो कहीं नहीं है, तो फिर थंबनेल कहाँ से आता है। उस थंबनेल का गेम यही होता है
क्योंकि शॉर्ट वीडियो को एडिटिंग करने टाइम पे थंबनेल का सब गेम होता है और थंबनेल उसी टाइम पे लगाया जाता है। तो इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करके अपलोड कर सकते हो। तो थंबनेल का, शॉर्ट वीडियो का थंबनेल का गेम यही होता है। उम्मीद है आप लोग को छोटी सी जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर इस तरीके से आप भी अपने शॉर्ट वीडियो को एडिटिंग करोगे, अपलोड करोगे, तो 100% 10 से 15 रोज के अंदर में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना। इस चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं किसी सोशल मीडिया से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ, सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा सोशल मीडिया से रिलेटिव जानकारी देखने को मिलता रहेगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग।